गुड मॉर्निंग दोस्तों। वाले ने छेड़ा मन का प्याला, पूबटी हिट ना हो रही, दाढ़ी ना निकल रही, पापा की गाड़ी में मम्मियों की गालियां निकल रही, साले बैड एस और शुक ये खुद नहीं है जानते हम, चप्पल की चिंगम पे हाथ नहीं मार, मुझे नहीं है। बहुत टाइम के बाद एक ब्लॉग बना रहा हूँ और आज कुछ इटालियन एम्बेसी ने कुछ तो बुलाई है भाई, पता नहीं। ठीक है, तो पहली बार मैं सूट पहनने वाला हूँ आज, पहली बार मतलब बहुत सालों के बाद पहली बार। ठीक है, कोई ऐसे कजिनों की शादी हो बहुत पहले पहला था और एक बार बीच में मिला था। ठीक है, तो हाँ, तो बहुत टाइम के बाद सूट पहनने वाला हूँ, तो यस और एक्साइटेड भी हूँ। और ये इटालियन एम्बेसी में पता नहीं क्या है, कुछ तो बजाने वाले लोग तो जाते, इन्वाइट आया तो जाते आज, तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना लेते थोड़ा। चलो मिलते हैं पर्दे के पीछे। ऐसे क्या तो आपको लगा रहा था ट्रांजिशन होगा, अभी कपड़े उपड़े पहन के आ जाएगा? नहीं नहीं, ये टिकटॉक विकटॉक का वीडियो नहीं है, ये व्लॉग है। ठीक है, तो अभी अभी ये भी सिद्धार्थ कर रहा था अपने इंटरव्यू में डाल देगा कि मनोहर ने ऐसा बोल दिया कि तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सूट क्यों नहीं पहना। नहीं तो मैंने सूट इसलिए नहीं पहना क्योंकि सूट रात में पहनना है और अभी दिन भर है ना, तो व्लॉग सूट के बारे में नहीं है, व्लॉग तो पूरे दिन के बारे में। तो अभी जुम्मा है तो हम लोग जा रहे हैं टाउन नमाज पढ़ने, सूट ऐसी नहीं पहन सकते ना, मेरे पास सूट के साथ पहनने के लिए बेल्ट नहीं है अच्छा वाला, और जूते नहीं है सूट पे पहनने वाले, और क्या लेने का? टीवी का सॉकेट भाई, टीवी का सूट पे टीवी का सॉकेट बांध के जाऊंगा सूट पे, जो चाहिए उसकी बात चालू है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के जूते लेने आ रहे हैं, जूतों में देखो मैं जूते कैसे खरीदता हूँ आज। या, या, अरे क्या पता ही नहीं ना तेरे को दुनिया कैसी है, तेरे को आइडिया ही नहीं ना दुनिया कैसी है अभी, सब कुछ अच्छा अच्छा है। नहीं तू बड़ा हो तेरे को मालूम पड़ेगा, ऐसे घोड़े लगेंगे ना तेरे स्कूल में। सो ये है हमारे डोंगरी पे एक जगह, और आई टेल यू अबाउट दिस प्लेस, मैंने 2015 में पहली बार यहाँ पे सूट बनवाया था, के बाद 7 साल के बाद यहीं पे बनवा रहा हूँ, तब इन्होंने 4000 में बना के दिया था, आज पता नहीं रेडी हो गया भाई सूट। भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे व्लॉग का हिस्सा हो, तो मैं वही बता रहा था 2015 में मैंने इनसे सूट बनवाया था और अभी मैं वापस 7 साल के बाद सूट बनवाना आया इनके पास, कितने पैसे अभी ले रहे पता नहीं, तब उन्होंने 4000 लिए थे। सूट रेडी हो चुका है, सूट दोस्तों रिवील नहीं करने का था इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया, सूट अभी रेडी होकर रिवील करता हूँ ना मैं। ठीक है, और भाई अभी बता दो कितना पैसा हुआ टोटल इस सूट का, टोटल बताओ। मैं एडवांस दिया था, एडवांस भी लिए मेरे से 3000 रुपये लोग, 3000 एडवांस, अभी कितना पैसा हम कैलकुलेट कर रहे हैं खर्चा कितना हो रहा है आज के दिन का। मैं गरीब हूँ,2500 जी। चलो शुक्रिया भाई, दोस्तों डिस्काउंट भी मिल गया 250 रुपए का, बढ़िया था। क्या हो गया भाई, फोटो चाहिए जल्दी आ जाओ, ये मेरा व्लॉग है, हाय बोल दो। वालेकुम अस्सलाम, चलो अभी फोटो ले लो। देखो दोस्तों मोहम्मद अली रोड पे शूज तो मिल जाएंगे 1000 रुपए में, एक नंबर 10 कलर के, लेकिन मोहम्मद अली रोड पे अपन फंस जाएंगे ना, वो सेल्फी वाला शॉट हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई बस सेल्फी ले रहे। अपन एक चीज कर सकते हैं, सदाकत मास्क है क्या? मास्क लेता हूँ खुफिया वाला, और मेरे पास एक टोपी है पहन लेता हूँ, अपन नहीं पहचानने में आएंगे। ठीक है, लगता है बर्फ गिरने वाली है अभी है ना, मास्क तो मिल नहीं रहा है तो टोपी और चश्मा लगा दिया है, तो मेरे को लगा कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन ये देखो देखो ये वहाँ पे सोच रहा है, इंट्रोवर्ट है बट फिर भी पहचान लिया मेरे को। देखो भाई तू एक मिनट, तू इधर आ, कैसे पहचाना? सर आपको बोलने में सर। अरे ये मत बोल तू, कसम से सर मैं पहचानने में आ रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे जमा मत हो, बुरा लगता है भाई आप लोग, उसके बाद ठीक है चले जाओगे आप? नहीं जाऊंगा, जूते लेके जाऊंगा, इतनी बड़ी कार तेरे सामने है भाई, मास्क दे दो ना, काला वाला मास्क दे दो। ठीक है, उस दिन तुम पैसा नहीं लिए थे भाई, आज का ही पैसा 12 गल्ला भाई, 12 गल्ला खाओ। पब्लिक को मालूम ही नहीं है मैं मोहम्मद अली रोड को बहुत घूमते रहता हूँ, मास्क वास्क पहन के एकदम सुबड़ी में। क्या रेंज है? 1200 वाला कौन सा दिखाओ, दिखाओ सेक्सी लग रहा है। सही है भाई, अपने पे लगेगा नहीं ना नल्ला है। सर
आठ नंबर नहीं है, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। आठ नंबर नहीं है, छह नंबर मिलेगा, छह नंबर ले लेता हूँ मैं इसमें पेन की, क्या ही करना है। ब्लैक में नहीं, ब्लैक में नहीं, टेन टेन कौन से अच्छे दोनों में से, ये या ये भाई, कितने के हाल है? 1100 कुछ कम करोगे? तो फिर कम ही मत करो, पूरा लो। ये वाला अच्छा है, बट इसमें इसमें साइज नहीं है। अरे उसमें मिल जाएगा, सात नंबर तुम्हारे को। 1000 रुपया दे, 1000 रुपया, 1100 रुपया बोल रहा है, 800 में भी दे देगा, बट अभी छोड़ो ना, अपन वो नहीं करना है ना, अभी कमाने का मौका देना चाहिए। और ये अपना इंट्रोवर्ट फोटो के लिए रुकेला है। आ रहा, रुक जा। सेक्सी जान, दूसरा वाला भी अच्छा, सेम ही है, बस बेस्ट। हाँ भाई सेम है वो, 1000 रुपये। थैली मत दो, थैली मत दो, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा देश, 1000 रुपया रखो, ठीक है भाई। तुम अभी अभी चलेगा ना, इतना तो व्लॉग में डालू ना। शूज कंपनी का शूज आ गया अपने पास। यस दोस्तों, तो मिशन कंप्लीट हो गया। मोहम्मद अली रोड से अपन ने जूते ले लिए बिना किसी की नज़र में आए। एक दो लोगों की नज़र में आया रहूँगा, बट उन लोग वही सोचेंगे कि क्या ही है। आ जा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, सेल्फी ले, सेल्फी। फिर वो अच्छी नहीं लिया तो तेरी, अगर तू मैं सेल्फी नहीं ले रहा, तू तेरे फोन में सेल्फी लिया। तू मास्क के साथ ही फोटो ले लिया, किसी को बोलेगा कोई मानेगा भी नहीं। दोस्तों तुम्हारे को लग रहा है मैं खाली ये काम से निकला हूँ, और एक काम था, एक डॉक्यूमेंट का काम था, वो यहाँ पे फोटो देने का था, पासपोर्ट साइज। क्या क्यूट फोटो, देखो सही। हाय हाय, ये हड़िया है, हड़िया ना, लात मार दूँगा। मजाक कर रहा हूँ, क्यूट बच्चा था, प्यारा बच्चा। जा रहा हूँ मैं फोटो देने भाई, ये फोटो यहाँ पे रख दो। ओ भाई मेरा तो दम ही उड़ गया, भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, सच में सुबह से कुछ नहीं खाया, लग रही है अभी तगड़ी भूख। मैं कुछ तो खरीद लेता इधर, वड़ा पाव साला, पैसे नहीं है, पैसे लेके निकला नहीं, हो रहा है गर्मा गर्म क्या भजिया पाव बना रहा है यार। देख बेटा तुम्हारे पास गूगल पे, बट मेरा नया फ़ोन है, इसमें गूगल पे भी अभी तक एक्टिव नहीं है। फक यार, ये सब लोग तो फ्री में देंगे भी नहीं, तो पता क्या गर्मा गर्म बना रहा है, सेक्सी यार ये। फक मेरे को और भूख लग गई ये देख के। भाई मेरे को पहचान लिए थे, तो भाई पहचान लिया तुमको देख। भाई मैं ना, मेरा वॉलेट कार में है। अच्छा। और इसमें मेरा जीपे नहीं है, वहाँ पे वो समोसे पाव वाला, भजिया पाव वाला है, खिलाओगे? तो, अरे तुम चलो, कैसी बात कर रहे हैं, चलो। I am the one, the way your son don't need... किसी को बोलो मत, ठीक है? जनता की मोहब्बत आपको देख के पहचान जाती है भाई, तो ऐसा मांग के नहीं खा रहा, प्यार मोहब्बत में खिला रहे, ठीक है? थैंक यू भाई, जजाकल्ला, तुम मेरे व्लॉग में हो। और भाई नहीं, वो ये पो कर दो, पेपर में डाल दो, दूसरा वाला दो जिसमें सिर्फ हरी चटनी डाल, साथ में गाड़ी में भी एक भूखा आदमी है, सिर्फ हरा चटनी और वो भी थोड़ा सा दे दो भाई, थैली में डाल के। क्या बोला तूने? दे दो भाई थैली में डाल के। थैली मत दो, थैली मत दो, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। साथ में गाड़ी में भी एक भूखा आदमी है। लोग रस्ते में ही है भाई, ये अपना दोस्तों, तो हसल खत्म नहीं हुई है, अभी खाने वाला हूँ भजिया पाव, बट उससे पहले पता हम लोग को आरटीओ जाने का, आरटीओ जाने का, फिर घर जाने का, बाप रे, फिर तैयार होने के, बैंड्रा जाने के, वो हेयर स्टाइलिस्ट अपने शानू भाई बढ़िया हेयर स्टाइल बनाते, शानू भाई के यहाँ जाने का बैंड्रा में, और फिर उसके बाद जाने का है। सूट का इंतजार आपको बहुत करना पड़ रहा है, आपको मुझे सूट में देखने में, ये ऐसा ना हो कि व्लॉग के एंड में मैं सूट में दिखूं। भाई चल रहा, भाई क्या कर रहा है? वॉलेट रखो, वॉलेट नजर मत मारो, खुद के पैसे का कमा के खरीद के खाओ, पाव से पाव वाला, भजिया पाव वाला है, खिलाओगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसा घूर के देख रहे हो, सब कुछ उधार उधार मांग रहे तुम मेरे से, किसी से मांग के नहीं आया मैं, मेरा देख रहे जैसे मेरे को भजिया पाव दिलाया, खुद ट्रिपल सीट जा रहा
और मेरे को ऐसा देख रहा है जैसे मैं कोई क्राइम कर दिया। तेरा भजिया पाव भी खा जाऊंगा सदा के भूख को भरने के। घोड़े देख क्या रहा है, 100 रुपए का भजिया पाव है। हाँ तो हम लोग आरटीओ अभी तक पहुंचे नहीं है। कुछ तो तू भी कह दे, खामोशी तेरी आती है तूफान लेके, कश्ती को किनारे दे डुबा दे या फिर तू मुझे तेरी पनाह लेके। फासलों से ये मोहब्बत कभी कम ना होगी, लुटा दो खुद को वादों पे तो फिर कसर क्या होगी, असर ना होगी कोई दवा भी मुझ दीवाने पे, गवाह है रात तेरे बिन जो कशर ना होगी। बारिशों में अब मैं जूं कैसे, बसा तू आंखों में तो आंखों को मैं जूं कैसे, हाथ कब मेरे छूलू कैसे, सबक जो सीखे तुझसे उनको अब मैं भूलू कैसे। जलते आशिक जब जाके बनता है काजल तेरा, दिल ये दफन कफन बना लिया है आंचल तेरा, रोता है बादल रूठा बैठा मुझसे सावन मेरा, जुल्फों को छूना चाहता फिर से तेरी पागल गहरा। हेलो भाई, वर्ली का आरटीओ ना? हाँ वर्ली आरटीओ ऊपर ना जो एकदम। दोस्तों इतनी हरियाली आया है, ये मुंबई बैंगलोर सा क्यों लग रहा है मेरे को? नीचे सब बैठ ही जाओ, चिल ही कर लो। तो बेंच पे बैठ जाता हूँ बट फिर नहीं, बेंच भी बहुत टाइम से यहीं बैठी हुई है। बेंच को देख के लग रहा है ये कहीं नहीं गई। ये इंश्योरेंस देखते हैं कुछ एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो तो बाकी सब चीज़। तो ये आरटीओ वाले भाई जो आए ना उनका ही एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। भाई कैसे गिर गए तुम? बाइक से। बाइक से गिर गए? तुम भगा रहे थे क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली कैसे हुआ, मैं सुमनगर से जा रहा था। हाँ तो एक बाइक वाला ओवरटेक करके आ गया। तुमने बोला नहीं मैं आरटीओ वाला हूँ? तुम बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ नहीं इससे ज्यादा पीछे नहीं होगा। साथ में गाड़ी में भी एक भूखा आदमी है। रात में सो जाने का ना? क्या कर रहा था रात में? रात में क्या काम था समझ रहे हो? अच्छा। रात में गाड़ी में भी एक भूखा आदमी है। यस, जहाँ पे धूप थी मुंबई में गर्मी, और अभी बारिश जैसी है कि बादल ही टूट गया भाई। तो हमारे को पहुंचना है, सूट तो 9:30 में पहनना, सूट दिखा दे भाई पीछे, सूट तो देख लो, जूते हो गए, बेल्ट की झोल नहीं हुई है तो अपने को पुरानी वाली बेल्ट ही पहननी पड़ेगी। अपने पास एक है नल्ला। कोई बारिश हो गई, हमको घर पहुंचने में है 20 मिनट, प्लस पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, घर तक पहुंच जाएगी कि नहीं गाड़ी पता नहीं। देख लो रेड टुपुक टुपुक दिख रहा है। 7 बजे अपने को निकलना है, ठीक है चलो भाई। 7 बजे निकलना मतलब अभी 5:15 बजे घर जाना है, रेडी होके 7 बजे निकलना है, ठीक है। सूट पहन के, आधा सूट पहन के, आधा फिर कार में पहनूंगा तैयार होने का, तैयार मतलब सिर्फ हेयर स्टाइल, ठीक है। और अभी वापस मैंने ऐसे ऐसे किया था तुमको लगा मैं सूट पहन के आ जाऊँगा, और बोला ना वो ठीक समझ रहे ना तुम लोग। मिल गया अपना जैगुआर कंपनी का, और देखो इटालियन शूज अपने इटालियन है, वही बोलेगा मोहम्मद अली रोड से लिए। यस तो हम लोग निकल चुके और बारिश बहुत हो रही है, हम लोग लेट हैं लेकिन कोई बात नहीं। और हम पहुंच चुके हैं सलोन शानूज, और हमारे जुनैद भाई देखो लेने आ गए भाई, छतरी लेके मेरे पास क्योंकि बारिश हो रही है। जुनैद भाई व्लॉग चालू है, हाय बोल दो सबको। हाय। यस दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता कि हम भीग जाए, इसलिए मैंने ऑटो नहीं सॉरी छतरी मंगा लिया इनसे, और हम पहुंच चुके हैं शानूज बैंड्रा। अभी आप मेरा अभी का हाल देख लो, और अभी रेडी होने के बाद वाला हाल देख लेना, है ना? ठीक है, सी यू। हाँ तो अभी चल रहा है काम, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, थोड़ा बाकी है। शानू भाई नहीं है लेकिन सलमान भाई है, तो बस 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में हो जाएगा। वैक्स नहीं मिल रहा, मैं लेके आऊँगा बाहर से। लेके चले गए क्या? थूक फूक लगा दो कुछ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, चलो जल्दी लेट हो रहा है। सो यस हो चुका है डन, यहाँ का शानू भाई का काम कंप्लीट हो चुका है। शानू भाई नहीं थे लेकिन सलमान भाई ने कर दिया अपना काम, और बस अभी डायरेक्ट अब
दोस्तों तो ये था आज का व्लॉग, व्लॉग के नीचे कमेंट कर दो। और ये 1000 के जूते को लेके तुम एकदम वो मत करना कि 1000 का जूता वहाँ से लिया, ये वो बहुत से लोगों के लिए वो बहुत महंगा है। अपना 1000 का जूता एमसी स्टैंड के इसमें आ जाएंगे कितने जूते, 80 जूते आ जाएंगे उसके एक जूते में, मेरे 80 जूते आ जाएंगे, मतलब इसमें तेरा घर भर जाएगा, तेरा घर जाएगा ना इसमें, तेरा घर भर जाएगा। मैं ऐसे अच्छे व्लॉग तो नहीं बना पाता, मैं कोशिश करूँगा अकेले कैसे व्लॉग बना दूँ, बट बस पसंद आया तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई ये व्लॉग का चैनल को थोड़ा हाइप कर देना, थोड़ा शेयर करो, और व्लॉग डालूंगा अगर इस पर व्यूज़ अच्छा आया तो, ठीक है। तो बस कैसा लग रहा हूँ मैं देख लो, अब तुम लोग डाला मैंने, थैंक यू सो मच, आई लव यू, एंड मुनौर की जनता, मुनौर के वॉरियर्स, तुम लोगों को बहुत सारा प्यार, ठीक है। मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन के